आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, जो भी बच्चे इग्नूस यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खास तौर से इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इग्नू में जो बीए है वो 4 साल का होगा या 3 साल का होगा, आप लोगों की फीस कितने होगी, आप सभी लोगों का जो एग्जाम है वो सेमेस्टर वाइज होगा या ईयरली में एग्जाम होगा, आपको सब्जेक्ट कौन कौन से यहाँ पर मिलेंगे, इस बारे में खास तौर से मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ और सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ जो इग्नू यूनिवर्सिटी है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वहां पर जो बीए के एडमिशन है वह स्टार्ट हो चुके हैं। देखो इग्नू में जो बीए का एडमिशन होता भैया दो बार होता है। इग्नू में बीए का एडमिशन कितनी बार होता है? दो बार। एक बार होता है जनवरी सेशन का, तो इग्नू में अभी जनवरी सेशन 2024 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जनवरी 2024 एडमिशन साइकिल, तो इग्नू में जनवरी में भी एडमिशन होता है, 2024 में स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इग्नू से बीए करना चाहते हैं तो आप सभी लोग अपना एडमिशन करवा सकते हैं, और जिसकी जो लास्ट डेट है अभी 31 जनवरी 2024 रखी गई, और 31 जनवरी जो इसको बढ़ा भी दिया जाएगा। मैं बता देता हूँ इग्नू में जो एडमिशन है जनवरी फरवरी मार्च तक चलेगा, पूरा 31 मार्च तक एडमिशन चलेगा, इसको बात समझ लीजिए। ये लास्ट डेट जो 31 जनवरी है इसको बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप एडमिशन जा करके जरूर करवा सकते हैं। और जो बच्चे जुलाई में एडमिशन लेंगे, इग्नू का जो एडमिशन होगा फिर जुलाई में खुलेगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर में आपका दोबारा फिर एडमिशन होगा, तो आप जुलाई वाले सेशन में भी अपना एडमिशन करवा सकते हैं। अभी जनवरी वाला सेशन है तो आप सब लोग जाकर के अपना एडमिशन करवा सकते हैं। अगर मैं इग्नू की बात करूं, जो भी बच्चे इग्नू में एडमिशन लेने जा रहे हैं, इग्नू में आप देखोगे जो बीए क्या बैचलर ऑफ आर्ट, इग्नू में भाई जो बीए है उसको बीएएम बोला जाएगा। इग्नू में जब आप एडमिशन लोगे ना तो उसमें आपको बीएएम नाम का कोर्स मिलेगा। जैसे बीए होता है, एम का होता है मल्टी डिसिप्लिनरी, एम जो वर्ड लिखा है, तो बीए कर सकते हो। और बीए क्या है, एक बैचलर डिग्री रहेगी। एक चीज मैं बता दूं, इग्नू का जो बीए है वो 4 साल का प्रोग्राम है, बट इसमें आपको 3 साल में भी डिग्री मिल जाएगी, जिसमें हम आगे विस्तार से जरूर बात करेंगे। अगर मैं फीस की बात करूं तो इग्नू की जो फीस है लगभग 1 साल की फीस है, अगर आप देख रहे हो फीस स्ट्रक्चर देख रहे हो तो इग्नू की जो फीस है बता रहा है 4400 रुपए बता रहा, बट अगर बता दूं 4400 में 500 और जोड़ दो लगभग 5000 इग्नू की फीस पड़ेगी, 1 साल की बता रहा हूं। क्या भाई, इग्नू में अगर बीए करना चाहते हो फीस कितनी पड़ेगी? 5000 पड़ेगी। 4400 रुपए जरूर है, बट इसमें इग्नू वाले 300 का रजिस्ट्रेशन, 200 रुपए का डेवलपमेंट चार्ज, 500 ऐसे जोड़ लेते हैं तो 4900 बढ़ जाती है। यानी मान लीजिए इग्नू की फीस जो साल भर की पड़ेगी लगभग 5000 पड़ने वाली है, जो बच्चे बीए करना चाहते हैं। अभी इग्नू का जो बीए 4 साल का है, बट आप सबको 3 साल में भी डिग्री मिल जाएगी। एक चीज मैं बता दूं, नौकरी के लिए 3 साल के लिए डिग्री चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने इग्नू में बीए में एडमिशन करवाया और आप 4 साल नहीं करना चाहते हैं, तो आपको 3 साल करने के बाद भी आपको बैचलर डिग्री दे दी जाएगी, ये बिल्कुल बाकायदा रूल रखा गया है। अब मान लीजिए अगर आप इग्नू में एडमिशन लेने जा रहे हैं बीए में, तो एडमिशन किस प्रकार से लेना है तो आप लोग जरूर करवा सकते हैं एडमिशन जा करके। अगर मैं बात करूं, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको जो सब्जेक्ट है वो बहुत खास तौर से सेलेक्ट करना रहेगा। जो भी बच्चे इग्नू में बीए करना चाहते हैं, प्रोग्राम टाइप में आपको बैचलर डिग्री रहेगी, साथ में आपको ओडीएल टाइप करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट कौन सा प्रोग्राम करना है, भाई बैचलर डिग्री में बहुत सारे प्रोग्राम है तो आपको बीएएम करना है। क्या करना है? बीएएम सेलेक्ट करना। देखो ये लिखा है ना, बीएएम बैचलर ऑफ आर्ट, इस पर ही सेलेक्ट करना है। इग्नू में जो बीए है, जिसको हम बीए पास बोलते हैं, बीए प्रोग्राम बोलते हैं, इसको बीएएम बोला जाता है, बैचलर ऑफ आर्ट सेलेक्ट। उसके बाद आपको 3 पेपर सेलेक्ट करना, आप देख रहोगे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, इसमें से आपको 3 पेपर लेने हैं, और एक ग्रुप में से एक ही सब्जेक्ट लिया जा सकता है। जैसे अगर आप देखो ग्रुप 1 में क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, इनमें से एक ले सकते हो अगर आपका मन है। ग्रुप 2 में सोशियोलॉजी एजुकेशन है, ग्रुप 3 में पॉलिटिकल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैथमेटिक्स है, फिलोसफी है, ग्रुप 4 में इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, और ग्रुप 5 में हिस्ट्री और साइकोलॉजी है। अगर मान लीजिए अगर किसी बच्चे को सब्जेक्ट लेना है, अगर आपने ग्रुप 1 में से मान लो हिंदी ले लिया या इंग्लिश ले लिया, उर्दू ले लिया, तो आप एक टोटल 3 सब्जेक्ट लेने हैं, और ये 3 सब्जेक्ट आपके लगभग हर साल रहेगा, बदलेगा नहीं, ये मेन पेपर रहता है। तो अगर आप लोग इग्नू से बीए कर रहे हो तो मेरा कहना है आप लोग हिंदी ले सकते हो, आप लोग पॉलिटिकल ले सकते हो, और आप लोग हिस्ट्री ले सकते हो। खास तौर से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं।
हिंदी पॉलिटिकल हिस्ट्री, जो आराम से इग्नू में बीए पास करना चाहते हैं, आराम से उनको नौकरी करते हैं या कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, और खास तौर से इस सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा चैनल कोई है नहीं एजुकेशन कंटेंट का चैनल, और खास तौर से मैं अपने चैनल पर पढ़ाता हूँ, सब्जेक्टेड में पढ़ाता हूँ भाई मेरे, ठीक है। मैं इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं देता यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो पढ़ाने का काम है तो मैं पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप लोग एडमिशन ले रहे हो तो भैया हिंदी ले लो, पॉलिटिकल ले लो, हिस्ट्री ले लो, पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी लोग आप सोशियोलॉजी भी ले सकते हो, और कुछ बच्चे अगर आप एजुकेशन लेना इकोनॉमिक्स लेना चाहते हो इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो। मैथमेटिक्स कोई भी नहीं लेगा, गणित विषय कोई नहीं पढ़ेगा इग्नू में, भाई पढ़ोगे तो फंस जाओगे, मैं बता दे रहा हूँ। अगर बहुत कोई तीरंदाज बन रहा है मैथमेटिक्स लेने की सोच रहा है तो यहाँ पर भाई मैं सच में बताऊं, इग्नू यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स के लिए नहीं है। अगर मैथ पढ़ना चाहते हो कहीं रेगुलर में जाके पढ़ लो, इग्नू में आकर के मैथ पढ़ोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत तगड़ा मैथ होता है और कोई सपोर्ट अपोर्ट मिलेगा नहीं, ठीक है, और दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। और इग्नू का जो मैथ हो बीएससी वाला मैथ और बीए वाला मैथ बराबर है भाई मेरे, समझ लो, जो बीएससी मैथ चलता है वही बीए मैथ चलता है, तो बीएससी वाला मैथ पढ़ना पड़ेगा, इसलिए दिक्कत आएगी, इसलिए मैथ मत लेना कोई भी बच्चा। और ज्यादातर लोग जो सिर्फ पास होना चाहते हैं भैया, हिंदी ले लो, पॉलिटिकल ले लो, हिस्ट्री ले लो, इस सब्जेक्ट को ले सकते हो। बाकी अगर किसी को सोशियोलॉजी लेना है तो सोशियोलॉजी ले सकता है, और खास इकोनॉमिक्स भी आप ले सकते हैं। जो जिन बच्चों को यूपीएससी यूपीएससी करना हो, आप हिंदी ले लो, पॉलिटिकल ले लो और इकोनॉमिक्स ले लो, या हिंदी छोड़ करके अगर मान लिया आपको हिंदी नहीं लेना, आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, बट मैं इंग्लिश पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन ज्यादातर बच्चे एक काम करो, हिंदी पॉलिटिकल हिस्ट्री यही पकड़ लो, सही आराम से पास हो जाएगा, और इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और बाकी तो मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं आप सभी का एग्जाम किस प्रकार से होगा भाई, आप सबके मन में जानने की बहुत जिज्ञासा होगी। देखो अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो इग्नू में अगर आप देखेंगे बैचलर ऑफ आर्ट, इसको बीएम के नाम से जाना जाएगा, बीएएम ये प्रोग्राम कोड है, बीएएम, पहले इग्नू में बीएजी चलता था, वही बीएजी बीएएम हो गया है। अरे 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, कितने साल का भैया, इग्नू का जो बीए 4 साल का है, कितने साल का है, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, ध्यान रखना। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, लेकिन 4 साल के साथ लेकिन लगा है, लेकिन क्या है, लेकिन यहाँ भाई मेरे आप 3 साल में भी डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि नौकरी के लिए भैया किसी के यूपीएससी देना है, किसी को एसएससी देना है, किसी को सरकारी नौकरी अप्लाई करना है, तो आप इग्नू में 3 साल पढ़ाई करो और 3 साल के बाद इग्नू को एक लेटर लिख दो, इग्नू यूनिवर्सिटी को लेटर लिखना पड़ेगा कि मैं 4th साल नहीं करना चाहता हूं और मुझे 3 साल वाली डिग्री दे दो, तो आपको इग्नू वाले 3 साल की डिग्री दे देंगे, और आप यूपीएससी है एसएससी है हर चीज का फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि जॉब के लिए 3 साल की डिग्री ही मान्य होगी। तो आप सभी लोग 4 साल के कोर्स में 3 साल में भी डिग्री लेकर के निकल सकते हैं, जैसे आज लोगों को 3 साल की डिग्री मिलती है वैसे आपको 3 ईयर की डिग्री मिल जाएगी, इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि काफी लोग आपको डरा रहे होंगे कि 4 साल का आ गया है बीए, 4 साल का हो गया बीए, 4 साल का, अरे बच्चे को डरा के इन्होंने रख दिया यार, ठीक है, वही बता रहा हूँ, 4 साल का कोर्स तो है बट 3 साल में आप बाहर जा सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, जो भी लोग एग्जिट करना चाहते हैं आप एग्जिट कर सकते हो, और नौकरी के लिए यूपीएससी है एसएससी है पीसीएस है, भाई कहीं पर भी ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाएगी, तो नौकरी के 3 साल की 3 साल लेकर के आप आराम से निकल सकते हैं, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, खासतौर से सबसे बड़ा सवाल बच्चों का है, ठीक है। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं इग्नू का एग्जाम कैसे होगा भाई मेरे, इग्नू का एग्जाम आप एडमिशन लोगे ना तो सेमेस्टर शो करेगा, क्या शो करेगा, जब आप एडमिशन लोगे ना तो सेमेस्टर शो करेगा, उसमें शो करता पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर, लेकिन इग्नू वाले ना सेमेस्टर में एग्जाम नहीं लेते, आपका एग्जाम ईयरली होगा, क्या होगा भाई मेरे। और एक चीज बता दूं, जो बच्चे जनवरी 2024 में एडमिशन ले रहे हैं भाई, एडमिशन जनवरी में होगा, फरवरी और मार्च में भी होगा, तो आप चाहे जनवरी में लो चाहे फरवरी में चाहे मार्च में लो, जनवरी 2024 का सेशन रहेगा, और आप सभी का जो एग्जाम होगा वह दिसंबर 2024 में होगा, कब होगा भाई मेरे, दिसंबर 2024, और ईयरली रहेगा, और फर्स्ट ईयर में 7 पेपर है, कितने पेपर है, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर और सेकंड सेमेस्टर में 4 पेपर, 4 3 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो टोटल 7 सब्जेक्ट रहेगा, बता देता हूँ एग्जाम 7 होगा भैया, ठीक है, पेपर 7 हो गए। और आपका एग्जाम कब होगा, अगर जनवरी में ले रहे हो तो दिसंबर में पेपर होगा, और जो बच्चे जुलाई में एडमिशन लेते हैं उनका एग्जाम जून में होता है, तो ईयरली प्रोग्राम रखा गया है, ठीक है। दूसरा चीज कह रहा है इग्नू में असाइनमेंट बना के देना रहता भाई मेरे, इग्नू में अगर आप देखोगे, देखो जब इग्नू का एग्जाम होगा ना, जैसे दिसंबर 2024 में आप सबका एग्जाम होगा, तो आप सबको जो असाइनमेंट होगा
हुआ सितंबर अक्टूबर में 2024 में। सितंबर अक्टूबर में जो आपके 7 सब्जेक्ट है ना, उनका भैया असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। असाइनमेंट A4 साइज की सीट आती है, जो प्रैक्टिकल वाली होती है A4 साइज की ना, उस पर इग्नू की तरफ से 10 क्वेश्चन आते हैं असाइनमेंट के। वही क्वेश्चन लिख करके आपका जो स्टडी सेंटर होगा, उसी स्टडी सेंटर में आपको जाकर के असाइनमेंट जमा करवाना होगा। और फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। तो इग्नू में असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी है, जरूरी है। और असाइनमेंट का नंबर भी डिग्री में ऐड होता जुड़ता है, ठीक है। असाइनमेंट जरूरी है और 30-30% असाइनमेंट के होते हैं और एग्जाम का 70% होता है। तो असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको परसेंटेज गेन करने में, परसेंटेज बढ़ाने में क्या करेगा, बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्या करेगा ये, आपका असाइनमेंट करेगा। तो इग्नू में असाइनमेंट बना के देना होगा आप सभी को, जो कि आपका सितंबर अक्टूबर में जमा होगा। जो बच्चे जनवरी में एडमिशन लेते हैं और जो बच्चे जुलाई में एडमिशन लेंगे, उनका मार्च अप्रैल में जाओ, क्योंकि उनका पेपर जून में होता है, ठीक है। और इग्नू में असाइनमेंट और एग्जाम दो इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप सभी लोग इग्नू में बीए जरूर कर सकते हो। और इग्नू का जो बीए है अभी वो 4 साल का है, लेकिन कोई बच्चा 3 साल में भी डिग्री लेकर के जाना चाहता तो आप जा सकते हैं। भाई किसी को यूपीएससी देनी है तो 3 साल में डिग्री ले लो और जाके अपना यूपीएससी अटेम्प्ट क्लियर करो, मेरा कहना है। अगर किसी को एसएससी की तैयारी करनी है, ठीक है, किसी का कोई भी तैयारी करनी है, तो आप जाकर के सीजीएल की तैयारी करनी, किसी बच्चे को एसएससी की तैयारी करनी है, सीजीएल की तैयारी करनी है, तो ये 4 साल का कोर्स जरूर है। बीएएम जो है, बीएएम बीए वाला इग्नू में बीएम बोलते हैं, बीएएम बोला, तो बीएम जो रहेगा वो 4 साल का है, लेकिन 3 साल में भी आप इसको डिग्री को इग्नू को लेटर लिख देना, 3 साल में आपको डिग्री दे देंगे। आप लोग सीजीएल का पेपर, एसएससी का पेपर, यूपीएससी का पेपर, पीएससी का पेपर आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप लोग अपना एडमिशन करवा सकते हैं। दूसरा चीज बता दूं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, मैं पढ़ाता भी हूँ, तो आप लोग जो भी सब्जेक्ट लेंगे हमारे चैनल पर क्लास भी आएगी और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जिन बच्चों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, भाई अगर किसी को बात करना, इग्नू में एडमिशन लेना चाहता, बीए करना चाहता है, या आप मेरे से पढ़ना चाहते कोई सब्जेक्ट या कोई नॉलेज जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। क्या है ये, मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर मुझे आप फोन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप भी चलता है और कॉलिंग भी चलती है। तो मैं अपना आपको नंबर भी दे रहा हूँ, ठीक है। कई बार मैं फोन उठा पाता हूँ, कई बार नहीं उठा पाता, लेकिन मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। जब मौका मिलेगा तो मैं आपको बैक कॉल जरूर करूंगा, आप फोन जरूर कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और बस आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, जहां मैं लगातार क्लासेस पढ़ा रहा हूं। आप लोग इग्नू से बीए कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे से कोई इंफॉर्मेशन या जानकारी लेना चाहते हो तो आप जरूर ले सकते हो, और मैं पढ़ाता भी हूँ, ये चीज मैं बता दूं, तो आप मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। तो पढ़ाई के लिए जरूर कॉन्टेक्ट करें, जो भी लोग इग्नू में बीए करने आ रहे हैं और स्टडी करना चाहते, पढ़ना चाहते हैं कोई भी सब्जेक्ट, खास तौर से अगर मैं बता दूं, मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ठीक है, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट में पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ज्यादातर पेपर में पढ़ा दूंगा। और मैंने एक दिन वीडियो भी बनाया था, इग्नू में बीए में सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट किया जाए, वो मैंने वीडियो भी बना रखा, आप लोग वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं। और इग्नू में कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है ये भी मैंने डिटेल बना रखा है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और लगातार मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हमारे इस पर नंबर पर मैसेज कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप दे दूंगा, ज्वाइन कर लो, सारी जानकारी मिलेगी। मैं पढ़ाने के लिए 100% तैयार हूँ, आप लोग पढ़िए और आपकी अच्छे परसेंटेज आएगी। कोई टेंशन नहीं ले, चिंता नहीं करनी, इग्नू में आसानी से डिग्री हो जाएगी, मैं कहने वाला हूँ, ठीक है। बाकी लोगों का मैं नहीं जानता, फलाना कौन कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि इग्नू में आसानी से आपकी डिग्री होगी। पढ़ाने वाले हम है ना, पढ़ने वाले आप हैं, ठीक है, तो आराम से होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और जितना होगा आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन मत लीजिए। इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हो जाके एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सब्जेक्ट में कोई दिक्कत रही सिलेक्शन में तो आप मुझे जरूर कॉल कर सकते हैं और सब्जेक्ट पूछ सकते हैं, कोई जानकारी लेनी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एडमिशन ले लीजिए, इग्नू से बीए करना चाहते आराम से कर लो, 3 साल में डिग्री दिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेटर लिखवा दूंगा, 3 साल की डिग्री मिल जाएगी, चिंता मत करो। लड़का लोग तुम सबको डरा दिया, 4 साल का भी होगा, 4 साल का भी होगा, बच्चा तो डर गया भैया, 3 साल में कोई बताता ही नहीं है कि 3 साल में भी डिग्री मिल जाएगी और नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो डरना नहीं है। बाकी मान लो अगर तुमने 3 साल ले लिया, फिर आकर के 4th साल भी कर सकते हो, अगर मान लो आपने ले भी लिया है, ये भी है, ठीक है, एंट्री और एग्जिट हो सकता है,
बाकी कोई जानकारी लेनी है तो मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई जानकारी अभी बची हुई अगर आपको चाहिए तो बता देना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है।